अवज़बल मिनतम बिस्मिल्ल रिमा रिम हो समीम होवल्ग़ूर हो व तब्यारीमल महमद वाल महमदिन दरबार मामजादा अब्दुल्ल शाहतर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अल्लाम व्ल वबरक़ा ख्वाब में अगर आप छिपकली को देखें तो इससे क्या मुराद है ख्वाब में छपकली देना मल्टीपल एंगल्स पर कॉन्स्टिट्यूट करता है आ, बहुत मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है चंद एक ये हैं इनको तोज्जो से अगर आप समझ लें और आपने किस पैराए में ख्वाब देखा है किस एंगल में देखा है किस सूरत हाल में देखा है उस वक्त आपको कौन से मसाइब थे उस वक्त आपको कौन सी परेशानी थी उस वक्त आपको कौन से चैलेंजेस थे आप किसी मुसीबत में फंसे हुए थे इन तमाम एंगल्स को मद्द नज़र रखते हुए फिर ख्वाब में छिपकली आने की ताबीर को एनालिसिस कीजिएगा ताकि आपको इससे गाइडलाइन हासिल हो सके जो बेसिक ख्वाब में छिपकली नज़र आने की तावील है उसके मानी तो छुपे हुए दुश्मन के हैं एन एनमी हेडन फॉर गुड जो आपके लिए हमेशा से छुप कर हमले कर हमला करने वालों में से हो ऐसा आपका दुश्मन जो आपके सामने तो आपका दोस्त बनता है लेकिन पीछे सिवाय आपसे बोगस सिवाय आपसे हसद सिवाय आपसे कीना के उससे आपको और कोई कंसर्न नहीं है अगर कोई कंसर्न है तो वो ये कि आपको नुकसान किस तरह पहुंचाया जा सकता है ख्वाब में छिपकली आना इस बात की दलील है कि आप अपने दुश्मनों से ही हाथ मिलाने के आदी हैं ख्वाब में छिपकली देखना इस बात की भी दलील है कि आप बहुत आसानी से दुश्मन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं ख्वाब में छिपकली देखना इस बात की भी दलील है कि आपको अक्सर और बेशतर अपने दोस्तों से ही नुकसान पहुंचता है आप उन्हीं लोगों से डसे जाते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं जिनके साथ थाली में बैठते हैं जिनको खाना खिलाते हैं जिनसे आप कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ख्वाब में छिपकली देखना इस बात की भी दलील है कि ये तुम्हारा दुश्मन देर तक नहीं रह सकेगा क्योंकि छिपकली आपको आई है छिपकली उसे नहीं आई तो चूँकि आपको छिपकली आई है तो सबसे पहली बात यह इस बात की अल्लाह ने आपको दलील अता फ़रमा दी है कि जीत तुम्हारी होगी क्योंकि इस कैपेसिटी में इस सिनेरियो में तुम मासूम हो तो तुम्हें बताया गया है कि कौन तुमसे बोझ रखता है अब तुम उसे तलाश करो लेकिन ये भी बता दिया गया है कि इन वो उसका अंजाम बुरा होगा वही बदनाम होगा वही नुकसान उठाएगा तुम्हें वक्ती तौर से नुकसान आ रहा है तुम उसको जज करो अपनी कैपेसिटी में रहकर और एहतियात करो ख्वाब में छिपकली मैंने उन बेटियों को भी सुनी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि सिस्टर जब आप एक घर रुख्सत होकर आते हैं तो चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या ना हो आपको अब अपनी जगह बनानी है ख्वाब तो आएगा आपको बताने के लिए कि आपकी जो नंद है वो क्या सोचती हैं आपकी की भावच क्या सोचती हैं आपकी मदर इन लॉ क्या कंसिडर करती हैं आपका देवर आपको कैसे देखता है आपके फ़ादर इन लॉ आप पर क्या प्रसपन आपसे या एक्सपेक्टेशन एंटिसपेट करते हैं क्या तो रखते हैं ये पूरा घर अब आपका घर है तो आप फरिश्तों में तो नहीं आई हैं इंसानों में हैं तो जाहिर है छिपकली आएगी इससे आप ये तय ना कर लीजिए कि सब के सब दुश्मन हैं ये एंट, एंटिसपेशन इन ट्यूशन आपको इसलिए आ रही है ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि अभी इन लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जगह बनाएं देखिए अगर एक लड़की जो बरसग़ी पाकोहैन के इस कॉन्टीनेंट में रुखसत होकर आई है अगर वो इस तावील से अपने इन लॉज़ को ही अपना दुश्मन या हडन एनमी तसवर कर लेगी तो वो कयामत तक अपने घर को बसा नहीं सकेगी तो इसलिए ये थोड़ी सी आ, वजाहत इसलिए की ताकि वो बेटियाँ वो बच्चियाँ एहसन तरीक़े से इसे इंटरप्रेट कर सकें बल्कि सिर्फ़ यूट्यूब से ताबीरें उठा कर मिस गाइड ना हो जाएँ ख्वाब में छिपकली आना इस बात की भी तावील है कि दुश्मन तुम्हारे साथ रहेंगे कुछ ना हो कुछ भी हो तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आप इस बात को कबूल कर लें कि आप सीधे रास्ते पर हैं और क्योंकि आप सीधे रास्ते पर हैं तो मौला अली का कौल है इरशाद है कि दुश्मन होते ही उसी के हैं जो हक़ के रास्ते पर चलता है बल्कि एक मकाम पर आपकी हदीस आपसे इरशाद है कि आपने फरमाया वो कभी भी हक हो ही नहीं सकता जिसके मुनाफ़िन ना हों या जिसके दुश्मन ना हों तो छिपकली आ जाना आपको अल्लाह पाक की तरफ से ऑथेंटिसिटी है इस बात की कि अल्लाह ने आपको हक और सच पर रखा है और आपके हिडन एनमीज़ हैं आप कोई ना कोई बात सच्ची करते हैं कोई ना कोई कैपेसिटी में रहकर आपके अंदर कोई अच्छी बात है जिससे लोग खफा हैं जिससे लोग हासिद हैं जिससे लोग जालस हैं या आपके हक में वो सही कंसिडर नहीं करते ख्वाब में छिपके लिए आना आ, बहुत कम परसेंटेज में सिफल या जादू की तावील है उसमें छिपकली के कलर्स डिफरेंट होते हैं छिपकली का कलर अगर रेड आए तो ये डायरेक्ट इस बात की दलील है कि किसी ने आपकी औलाद की बंदिश कराई है या स्पाउस कोलहदगी कराई है या आपके ब्लड को आपसे जुदा करने का कुछ अमल किया है रेड छिपकली इस बात की तावील है जबकि ब्लैक छिपकली इस बात की तावील है कि किसी ने आप पर काला इल्म किया है जादू किया है अदर दैन डैट आप नॉर्मल हाउस लिजट के कलर को देखें तो ये इस बात की दलील है कि आपके वो आम दुश्मन हैं अब आप इसको अपने अनिलसिसिस में प्रसीव कीजिए और हिदायत हासिल कीजिए सरकार इमामजादा अब्दुल्ला शाहर गाज़ी बाबत से बहक् गाजी या गाजी